मुझे हो गए काफी दिन इस बूट को यूज करते हुए तो मैंने सोचा कि ना इट्स टाइम टू शेयर माई फीडबैक सो हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाई रेसिंग एम एक्स बूट के बारे में सो so, चलिए शुरू करते हैं सो so, ये बूट मैंने खरीदा था स्टोर फॉर राइडर्स से और ये मुझे पड़ा है अराउंड ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फ्लाई रेसिंग का बहुत सारी सीरीज है ये जो है वो इंटरमीडिएट सीरीज है और ये बूट का पर्टिकुलर मॉडल जो है वो है एफ आर फाइव अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में सो so, यहाँ पे आपको मिलता है चार बकल, एक दो तीन और चार बाकी जो स्ट्रैप का लेंथ है वो आप छोटा बड़ा कर सकते हो यू जस्ट इट आउटसाइड या फिर पुश करो या पुल करो लेंथ विल इंक्रीज एज रिक्वायर्ड बाकी इसको यहाँ पे हुक करना पड़ता है तो जैसा अगर आप इसको लंबा करते हो इसको ये पुश कर लिया हुक कर लो यहाँ पे एंड देन यू हैव टू जस्ट बकल इट ये जो सारे बकल्स हैं दीज आर ऑल एल्यूमिनियम बेल्ट बाकी अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक हिंज मैकेनिज्म है सो तो अगर आप कभी वॉक करते हो सो तो ये चीज जो है वो बेंड होता है ऐसे सो तो ब्रेक इन जो है बूट का जो ब्रेक इन पीरियड है वो शॉर्ट है कंपेयर टू अदर अदर एमएक्स बूट ऑल्सो ये एक हमारा जो नी जो फीट है एंकल है एंकल का मेकानिजम जो है ऐसे करके उसी को ये रेप्लीकेट करता है और जब वो आप वॉक करते हो तो आपको आसानी होता है ज़्यादा स्टिफनेस फील नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग प्रोटेक्शन वाइज देखो तो आपको पीछे में काफ एरिया में यहाँ पे एक प्लास्टिक मोल्ड दिया गया है कि अगर कुछ इम्पैक्ट होता है तो ये ब्रेस कर लेगा प्रोटेक्शन so, वाइज पीछे काफ में भी दिखता है आपको साइड में यहाँ पे भी बहुत सारे पैडिंग दिए गए हैं और आपके शिंग के लिए भी सामने प्रोटेक्टर्स दिए गए हैं बाकी आप अगर सोल तरफ देखते हो अंदर के तरफ इफ यू ओपन इनोवेटिव वन पीस प्लास्टिक इंजेक्टेड फिश टील मिथसूल बाकी अगर आप बूट को खोलते हो तो आपको अंदर की तरफ दिखेगा कि यह एक लेदर पतला सा लेदर पैच टाइप का कुछ है अंदर जो है पैडिंग बहुत सही दिया गया है तो डिसकंफर्ट या इरिटेशन फील होने का कोई चांस नहीं है बाकी दिस दिस बूथ आर नॉट वॉटर पानी डेफिनेटली अंदर जाएगा नॉट नीदर वाटर रेजिस्टेंट नॉट वाटर बाकी इसके लिए आपको थोड़े लंबे सॉक्स खरीदने की जरूरत है सो so, बाकी आपको यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मिलता है आपको प्लास्टिक शिफ्ट पैनल सब so, बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में So, हाली में मेरे मेरे एक दोस्त के पास एक एडवेंचर बूट था और वो उस एडवेंचर बूट को पहन के राइड कर रहा था ट्रस्ट मी लाइक आफ्टर मेकिंग अ बिग जंप उसका जो एंकल uh, है वो इतना ओवर फ्लेक्स हो गया है कि उसका पाँव इतना ज्यादा बड़ा सूझ गया है सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ यूजिंग एन एडवेंचर बूट फॉर Uh, like for high jumps. Table top से आप अगर जम्प करना चाहते हो या जम्प या कोई भी uh, उसमें तो थोड़ा uh, पहन के वॉक करना बहुत स्टिफ लगता है ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करोगे बट विथ टाइम जैसे इसको ब्रेक uh, करने के लिए जब नया था इसको ब्रेक करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट दो दिन लग गए थे इस बूट को पहन के ऑलमोस्ट मैंने कुछ आठ नौ घंटे बिताए दो दिन कंटिन्यूसली बैक टू बैक उसके बाद ये बूट थोड़ा कंफर्टेबल हो गया और मेरा पाँव का थोड़ा शेप लेने लगा सो यस इट्स वेरी स्टिफ एट द दिगिनिंग बट वंस यू कीप यूजिंग इट धीरे धीरे ये भी थोड़ा फ्लेक्सीबल हो जाता है नाउ कमिंग टू वाई नॉट एडवेंचर बूट एडवेंचर बूट में आपको जो सपोर्ट मिलता है बेसिकली यहाँ पे जो ये जो हिंज है यहाँ पे जो प्रोटेक्टर्स है ना ये सारे आपको थोड़े आपके uh, ब्रेस की तरह काम आते हैं सो वेन यू ट्राई टू ओवर एक्सटेंड योर एंकल जम्प के बाद सो ये चीज बहुत ही हेल्प करता है आपको सपोर्ट देता है ताकि आप वो ओवर एक्सटेंशन में ना जाओ वेर एज एडवेंचर बूट में वो नहीं होता है एडवेंचर बूट इज ओनली गुड फॉर टूरिंग एंड मे बी हल्का फुल्का ट्रेल राइडिंग Uh, अगर आप थोड़ा स्टंट टाइप का करना चाहते हो जंप्स करना चाहते हो तो आपका ट्रैक uh, में भी आपका काम आ जाएगा हाँ अगर आप ऐसे हो जो हाइक करते हो बूट uh, पहन के देन आई सजेस्ट यू टू गो विथ एडवेंचर बूट बिकॉज एडवेंचर बूट इज मोर फ्लेक्सीबल कंपेयर टू दिस वन इज Uh, मेरे दोस्त के पास अभी हाल ही में उसने अल्पाइन का टेक थ्री खरीदा है विच इज एन एंट्री लेवल एम एक्स बूट अल्पाइन के सीरीज में विच इज बूट ये फ्लाई uh, रेसिंग का इंटरमीडिएट बूट है और वो अल्पाइन का एंट्री लेवल बूट है सो so, वो डिस्पाइट बीइंग मोर एक्सपेंसिव उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है जैसे कि अगर आप यहां देखो तो जैसे मैंने आपको बताया था यहां पे हिंज है थ्री में आपको हिंज नहीं मिलेगा यहाँ पे चार हैं, टेक थ्री में बस थ्री बकल्स तो यहाँ पे एक एक बकल मिलता है अब बकल होने का फायदा है है, कि आपका जो है, वो अच्छे से ग्रैप करके रखेगा। जो ये पैडिंग है, वो आपके बूट को ये सारे बकल अच्छे से पकड़ के रखता है आउट ऑफ शेप होने नहीं देता है इधर से बल्ज आउट हो, बहुत सारे जगह से बल्ज आउट होने नहीं देता है ऑल्सो मैंने ये बूट पहन के और टेक थ्री पहन के ये नोटिस किया है कि अगर आपका पाँव लंबा और स्लीक है देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ फ्लाई रेसिंग क्योंकि फ्लाई रेसिंग का जो नीचे का पार्ट है ये सोल पार्ट इसके अंदर में आपका पाँव को एकदम जकड़ के रखता है पकड़ के रखता है एकदम टाइट से वेर एस टेक थ्री अगर टेक थ्री में उनको सजेस्ट करूंगा जिनका पाँव ब्रॉड है जिनका जो ये पोर्शन जो है वो ब्रॉड है उनको उनके लिए वो टेक थ्री ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा क्योंकि यहां पे आपका वो फिर अगर आपका फीट बड़ा है तो आपका ऐसा लगे आपको सपोकेशन फील हो रहा है सो फॉर दोज पीपल यू शुड गो फॉर टेक थ्री द बूट इज क्वाइट हैवी अगर इसको आप वे करते हो तो दिस इज अराउंड सिक्सटीन हंड्रेड नाइन्टी ग्राम्स बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज और प्रोटेक्शन वाइज इस प्राइस पॉइंट में ये सबसे बेहतरीन बूट है So, guys, hope you found this video informative. If you did, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you.